पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर आइसोलेटेड रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन रहा। सबसे अधिक वर्षा भालडा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में 16.6 मिलीमीटर दर्ज की गई है। उसके अलावा जो मिनिमम तापमान जो है सुंदरगढ़ में 12.5 डिग्री सेल्सियस मिनिमम तापमान दर्ज किया गया। प्लेन एरिया में कीरी को जो कि एम एफ स्टेशन है 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोरापुट में 9.2 डिग्री सेल्सियस जो कि एक हिल स्टेशन है। भुवनेश्वर कटक में 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और फोग भी दर्ज की गई है। वेरी डेंस फॉग नयागढ़ में 40 मीटर विजिबिलिटी आई। उसके अलावा 13-12 और स्टेशन पे फोग जो है ऑब्जर्व की गई है। जो तापमान जो है अभी भी 9-13 की रेंज में, बाकी अगर हम सामान्य से बात करें तो एप्रिशिएबली अबव नॉर्मल चल रहा है ज्यादातर जगहों पर। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर तो कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन बे ऑफ बंगाल में एक एंटी साइसस होने की वजह से मॉइस्चर इनकर्शन हो रहा है और ऊपर जो हमारे नॉर्थ साइड पे ट्रफ लाइन की वजह से जो है हमारे उड़ीसा के ऊपर बारिश होने की संभावना है, जिसमें डे वन में यानी कि आज जो सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, केवंझर, मयूरभंज में कुछ कुछ स्थानों पे मॉडरेट लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। उसके अलावा बारगढ़, देवगढ़, अनगुल, भद्रक, बालासोर में लाइट रेनफॉल होने की संभावना है एक दो स्थानों पे। इसी प्रकार 19 तारीख को कल बालासोर, भद्रक में भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। उसके बाद डे 3 to day 5 लगभग मौसम ड्राई रहने की संभावना है। 23 तारीख को झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, बेवंजर, मयूरभंज नॉर्थ जो पार्ट में है वहाँ पे एक दो स्थान पे किसी मध्य वर्षा हो सकती है। इसमें 24 तारीख को भी सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक में जो आइसोलेटेड रेनफॉल हो सकती है WD के प्रभाव की वजह से। इसके अलावा अगर बताए डे वन में जो फोग की वार्निंग दी गई है, जो फोग के फोरकास्ट में अगले 3 दिन तक जो है शैलो टू मॉडरेट फोग तो लगभग है, उसमें भी कुछ कुछ स्थानों पे जैसे डे वन में नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा, साउथ में सारे डिस्ट्रिक्ट और डे टू डे थ्री में साउथ उड़ीसा में रहेगा फोग। अगर वार्निंग की बात करें डे वन में मयूरभंज, केवंझर जो हमारा नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट, देवगढ़, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, अनुगुल, ढेंकनाल, कटक, खुर्दा, नयागढ़, गोवर, सोनपुर, बारगढ़, बलंगीर, कंधमाल, कालांडिया, कोरापुट में येलो वार्निंग दी गई है डेंस फोग आइसोलेटेड प्लेस पे होने की संभावना की वजह से। इसी प्रकार डे टू में भी जो आपका मकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कालांडी, रायगढ़, कंधमाल, नयागढ़ में वार्निंग दी है येलो वार्निंग आइसोलेटेड फोग होने के कारण। इसी प्रकार 20 तारीख को भी सोनपुर जो हमारा साउथ इंटीरियर उड़ीसा में साउथ कोस्ट उड़ीसा पूरा और बोध, सोनपुर, कंधमाल, रायगढ़, कालांडी, बोलांगी, नवरंगपुर, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड प्लेसेस पे फोग होने की वजह से। अगर हम बात करें मिनिमम तापमान की, अगले जो मिनिमम तापमान अगले 4-5 दिन तक मिनिमम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है।